अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ एकदम स्पंजी सॉफ्ट रसगुल्ला रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी रेसिपी है। आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। और हाँ, इस रसगुल्ले को वाइट छेना भी बोलते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी रेसिपी है। तो चलिए रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक लीटर दूध लेंगे और दूध को गर्म होने के लिए रख देंगे। उसमें एक चम्मच विनेगर डालेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे नींबू का रस भी डाल सकते हैं। और फिर इसे इसी तरीके से चलाते हुए एक दो खौल लगाएंगे। इसी तरीके से आप देख सकते हैं दूध जो है फट चुका है। अब इसे हम ठंडा कर लेंगे। देखिए ठंडा हो चुका है। अब इसको हम एक चन्नी में या फिर मलमल के कपड़े में छान लेंगे। इसका सारा पानी जो है हम नीचे ओढ़ देंगे। फटे हुए दूध का ही हम यूज़ करेंगे। इसी तरीके से दबा दबा के इसका सारा पानी निकाल देंगे और फिर हाथ की मदद से इस तरीके से आटे की तरह इसे मल लेंगे। इसका सॉफ्ट सा हम डो बना लेंगे। इसी तरीके से आप देख सकते हैं ये डो बन के रेडी है। अब एक छोटा सा पेड़ा लेके हम रसगुल्ले का शेप देंगे इसको। इस तरीके से आप देख सकते हैं एक एक करके हम सारे रसगुल्ले जो है बना लेंगे। ये देखिए हमने सारे रसगुल्ले जो है बना लिए। अब चाशनी को हम बनाएंगे। सबसे पहले एक पैन लेंगे और उसमें हम पानी ऐड कर देंगे और उसमें एक कटोरी चीनी ऐड करेंगे और दो तीन इसमें हरी इलायची हम ऐड करेंगे और इसमें उबाल आने देंगे। इसी तरीके से हम बनाएंगे चाशनी को। ये देखिए चाशनी जो है रेडी है। अब इसमें हम डाल देंगे जो हमने रसगुल्ले बनाए थे वो। अब इसे 5 मिनट तक इसी तरीके से हम पकाएंगे मीडियम गैस पे। आप देख सकते हैं रसगुल्ले जो है बनके रेडी है। अब इसको हम निकाल लेंगे। एक एक करके हम सर्व करेंगे रसगुल्लों को। अगर आप लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, कमेंट ज़रूर करना आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी।